बॉलीवुड बुलेवार्ड में इस हफ्ते भी है स्नो, ढेर सारी स्नो। ये हमारे कुछ स्टार्स अभी भी बाकी हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं स्नो वाले डायलॉग्स। ओए ओए कात्या, ये मजदूर का हाथ है कात्या, स्नो को पिघला के उसका आकार बदल देता है, उसे पानी बना देता है पानी। मैं क्या ऊर्जा प्यासे कामा, तेरे मुंह विच स्नो पावा। ओए ओए थर्स्टी क्रो, मैंने तेरी कहानी पढ़ी थी, तू मटके के अंदर कंकर डालता है और पानी पीने के लिए तरसता है। मैं क्या अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कंकर वाला पानी पीने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे मुंह विच स्नो डाल रहा हूँ और ये पिघल के पानी बन जाएगी कावा। मैं क्या ओए प्यासे कामा, बलवंत राय के कामा, तेरे मुंह विच स्नो पावा। ओए ओए मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, सड़क पे बहुत सारा स्नो आया, मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया। मैं क्या गड्डी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि गड्डी में पापा थे और पापा ने कहा था कि वो जो सारी स्नो है उसे इकट्ठा करना है, क्योंकि उस स्नो से हम आरओ वाटर बनाएंगे, घर के पानी का बिल आता है, स्नो का बिल नहीं आता। तो पापा ने जो कहा मैंने फिर वैसा ही किया, आखिर अपने तो अपने होते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम करनी थी तो मैंने वही किया जो पापा ने कहा। बड़े बड़े देशों में ठंडी ठंडी स्नो गिरती रहती है सेनोरिटा। और स्नो साफ करके फिर भी उस पर फिसलने वाले को स्नोजी घर कहते हैं। इतनी शिद्दत से मैंने इस ड्राइववे को साफ करने की जो कोशिश की है कि नमक के जर्रे जर्रे ने उस स्नो को पिघलाने की साजिश की है सेनोरिटा। तेरे वॉकवे की फिसलन से भरी मस्तियां, तेरे ड्राइववे पर गिरने पर मिलती हुई हमदर्दियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जहां, जब तक है जहां। कौन कमबख्त खुशी से स्नो साफ करता है, हम तो इसलिए स्नो साफ करते हैं ताकि ऑफिस जा सके, गाड़ी चला सके, गाड़ी घर से बाहर निकाल सके। आज एक स्नो का गोला और मार लूं, आज एक बार थोड़ा सा और फिसल लूं, आज एक स्नो में फोटो और खिंचवा लूं, आज एक बार जैकेट और ग्लव्स फिर से पहन लूं, क्या पता, क्या पता कल ये स्नो हो ना हो, क्या पता कल ये स्नो हो ना हो।